विद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हिंदी सप्ताह 14 से 21 सितंबर के मध्य मना रहा है, जिसके समापन समारोह एवं अंतिम व्याख्यान के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के व्याख्यान का विषय है स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी। आज जब हमारा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तब इस विषय का महत्व और प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर आक्रांताओं की भाषा अंग्रेजी थी, तो भारतीय जनमानस की भाषा हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं थी, किंतु केंद्र में भाषा हम सबकी हिंदी ही थी। आजादी की लड़ाई में केवल स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और नेताओं ने ही भाग नहीं लिया था, बल्कि लेखकों और कवियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि के जेल जाने की बात हम सबको याद है और होनी भी चाहिए, पर सच ये भी है कि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, यशपाल, रेणु के जेल जाने की कथा और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान की चर्चा कम ही होती है। किसी भी देश की पहचान वहां की भाषा व उससे जुड़े साहित्य से होती है और इस पहचान के सृजन के पीछे एक लंबी कथा छिपी होती है। भाषाई रूप से भारत एक बेहद समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ की भाषाएं अलग अलग सामाजिक अस्मिताओं के प्रकटीकरण का माध्यम होने के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी सभी एक दूसरे की ताकत हैं। भाषाओं के इस विविधतापूर्ण परिवेश में हिंदी का एक विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भारत में प्रजा का राज चलाना है तो वह जनता की भाषा में चलाना होगा, कहते हुए मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी का स्वागत करें। सर धन्यवाद ऐश्वर्या जी, यह बात ही हर्ष की विषय है कि हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग ने इस हिंदी पखवाड़े का अंतिम दिन हमारी कॉलेज की चेयरमैन माननीय कुमुद जी को आमंत्रित किया है। कुमुद जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर अपने विद्यालय को अपना समझते हुए अपना कीमती समय इस वक्त हमको दिया है। बाकी जहाँ तक हिंदी की बात है तो सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन के लिए ही नहीं, अपितु राष्ट्र की उत्पत्ति के लिए, राष्ट्र को संवारने के लिए अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता हमको समय समय पर प्रतीत होती रही है। यह ठीक है कि सरकारी कामकाज या कुछ अन्य कारणों से अंग्रेजी का दबदबा रहा है, फिर भी हम देखते हैं अपने पिछले 30-40 की एक्टिव लाइफ में तो चाहे कोई प्रोफेशनल हो, टीचर हो, नेता हो, अभिनेता हो, अपनी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से हिंदी में ही कर पाते हैं, अपनी भाषा में ही कर पाते हैं। अगर हम तमिल, आंध्रा या साउथ इंडिया की बात करें तो अपनी अभिव्यक्ति जितनी सरलता से, सहजता से अपनी मातृभाषा में कर पाते हैं, अंग्रेजी में तो शायद कभी नहीं कर पाते हैं। जब हम स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं तो लोगों में अलख जगाने के लिए जिस तरह से तेजस्वी भाषण दिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर उस समय 10,000, 20,000 या 50,000 भाषण दिए गए होंगे तो शायद एक भी भाषण इंग्लिश में नहीं दिया गया होगा, एक भी भाषण इंग्लिश में नहीं दिया गया होगा। ठीक है, हम कॉलेज में, स्कूल में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, बोलचाल में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि स्वाधीनता जैसे आंदोलन में जहाँ पर कि व्यक्तियों में अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति अलग जगाने की जरूरत पड़ती है, वहां पर कोई भी भाषण, शायद कोई भी वक्तव्य भी, बल्कि मैं कहूंगा भाषण तो लंबी बात है, वक्तव्य जो कि सरल रूप में दिया जा सकता है, कोई भी वक्तव्य शायद अंग्रेजी में दिया गया हो। इसके साथ ही ऐश्वर्य जी ने बताया स्वाधीनता आंदोलन में सिर्फ नेता ही नहीं, लेखक, कवि, इतिहासकार, इवन संत समाज, इनकी भी मुख्य भूमिका रही है, जिनका कि मैं समझता हूँ इंग्लिश से कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा है, प्योर और शुद्ध हिंदी में ही उन्होंने स्वाधीनता के बारे में, स्वराज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र की संस्कृति के बारे में लोगों को जागृत किया। इसके अलावा
हमारे जो ट्राइबल बंधु बहने हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और मैं नहीं समझता कि इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है, अपनी मातृभाषा से जरा सा भी डेविएट होते हुए उनकी बातों को कोई समझ सकता है। तो यह हमारे लिए हर्ष के विषय है कि हमारे चेयरमैन मैडम हिंदी की ही प्रोफेसर हैं, व्याख्याता हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, और आज हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और मैडम इस स्वाधीनता के विषय पर अपनी राष्ट्र को जागृत करते हुए इसमें हिंदी का क्या उपयोग रहा है इसके ऊपर हमको इनलाइटन करेंगी। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने चेयरमैन मैडम कुमुद जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर से उनका धन्यवाद करते हुए ऐश्वर्या जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वह आगे के लिए अपने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद सर। अब मैं हिंदी विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा राणा से आग्रह करूंगी कि वो आकर मैडम का स्वागत करें। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा 14 सितंबर हिंदी दिवस से प्रारंभ हुए सप्ताह को आज 21 सितंबर को सुखद समापन की ओर ले जाने के लिए हम सभी आज आभासी मंच पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत व्याख्यान श्रृंखला में प्रोफेसर पीसी टंडन, डॉक्टर आशीष कंदवे, प्रोफेसर शोरा सिंह बेचैन ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। इसी श्रृंखला में आज समापन वक्तव्य प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम का रहेगा। हिंदी सप्ताह के कार्यक्रमों में दो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता स्वरचित हिंदी कहानी लेखन एवं स्वरचित हिंदी कविता लेखन आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 30 महाविद्यालयों ने प्रतिभागिता की। समापन आज के समापन कार्य की मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम का मैं महाविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और हिंदी सप्ताह का समापन, इसमें जो उभरा है वह है स्वाधीनता का हिंदी से अटूट संबंध। इस संबंध पर हिंदी की विदुषी प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम के वक्तव्य का हम सभी आज लाभ लेंगे। मैम के वक्तव्य का विषय है स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी। आज जब संपूर्ण भारतवर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव की गूंज है, तब यह बात सोचना जरूरी है कि इस आजादी के अमृत का पान कराने वाले सेनानियों की प्रमुख भाषा क्या थी, कौन सी थी, और हिंदी रचनाकारों ने कैसे कदम से कदम मिलाकर अपनी लेखनी द्वारा इस लौ को जलाए रखा। उस समय भी हिंदी जन मन और हृदय की भाषा थी। इसी के द्वारा आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा के प्रति चेताया, निज भाषा के महत्व पर बात की। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने तो स्वाधीनता संग्राम में अपनी रचनाओं के द्वारा जन जन तक एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसमें भारत भारती की भूमिका महत्वपूर्ण है। माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, यह अभिलाषा हर स्वतंत्रता सेनानी की अभिलाषा बन गई। जयशंकर प्रसाद का प्रयाण गीत हिमांद्री तुंग श्रृंग से, राम नरेश त्रिपाठी की स्वाधीनता परक कविताएं एक घड़ी भी परवशता कोटि नरक के सम, जगदम्बा प्रसाद मिश्र की कविता शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता, श्यामलाल गुप्त का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का राष्ट्रबोध आदि अनेक नाम और रचनाएं हैं जो हिंदी भाषा के द्वारा स्वातंत्र्य समर की ज्वाला में समिधा का काम कर रही थी। स्वाधीन भारत के सूर्य दर्शन पर हिंदी गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी ने कुर्बान हुए सेनानियों के प्रति अश्रु जल से कृतज्ञता ज्ञापित की, आज भी कर रहा है। यही हिंदी की शक्ति है, वह शक्ति दायनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः
प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपनी सहयोगी ऐश्वर्या जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद प्रतिभा जी। मुझे फिर से ये दायित्व दिया गया है कि मैं परिचय देने का काम करूं और मैम के परिचय को कुछ मिनटों में समेटना या बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ये धृष्टता कर रही हूं, मैम मुझे इसके लिए क्षमा करेंगी। प्रोफेसर कुमुद शर्मा को किसी भी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। साहित्य और मीडिया के क्षेत्र में उनका काम ही उनकी पहचान है। संप्रति प्रोफेसर कुमुद शर्मा हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। आधुनिक साहित्य, स्त्री विमर्श और मीडिया के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। उनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकों के नाम हैं, आधी दुनिया का सच, समाचार बाजार की नैतिकता, भारतीय साहित्य के निर्माता अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी के निर्माता, विज्ञापन की दुनिया, भूमंडलीकरण और मीडिया इत्यादि। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके 300 से भी अधिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप समय समय पर विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में काम करती रही हैं, जैसे नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य के रूप में, कोयला मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य के रूप में, प्रसार भारती के उच्च स्तरीय इंडियन क्लासिक लिटरेचर फिल्म प्रोडक्शन कमिटी के सदस्य के रूप में इत्यादि। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यचर्या निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहित्य एवं मीडिया के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्त्री घोष के लिए और समाचार बाजार की नैतिकता के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, दिल्ली हिंदी साहित्य सभा सम्मेलन द्वारा साहित्य श्री सम्मान, प्रेमचंद रचनात्मक लेखन पुरस्कार इत्यादि। अब मैं मैम से आग्रह करूंगी कि वे आएं और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। नमस्कार सबको। श्रद्धानंद कॉलेज के आभासी पटल पर उपस्थित इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी, डॉक्टर प्रतिभा राणा जी, डॉक्टर ऐश्वर्य और इस महाविद्यालय के सभी विद्वान मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस कॉलेज में एक दायित्व बोध के तहत मुझे प्रायः आना पड़ता है और आज उसी के आभासी मंच पर मैं व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। आत्मीय जगह से बहुत आत्मीयता के साथ जब बुलावा आता है तो ये सुखद अनुभव होता ही है। अभी जिस तरह से डॉक्टर ऐश्वर्या और डॉक्टर प्रतिभा राणा जी ने और बात रखी यहाँ पर, उससे मुझे लग रहा है कि शायद ये बात कहीं आप लोगों के मन में रही कि मैं स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में हिंदी साहित्य की बात करने वाली हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हिंदी साहित्य की बात बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ भाषा की बात करूँगी कि हिंदी किस तरह से स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनती है और ये पूरा स्वाधीनता आंदोलन हिंदी के हथियार से लड़ा जाता है और उसके बाद आज़ादी के बाद हिंदी की क्या स्थिति है, क्योंकि हम स्वाधीनता आंदोलन का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जब भी इस तरह का कोई महोत्सव होता है जो बहुत ऐतिहासिक होता है, ये आपको एक अवसर देता है कि आप अपने अतीत के पन्नों को भी खोलें और जो आपका वर्तमान परिदृश्य हो उसको भी आप देखें और भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी आप देख सकें। और मुझे लगता है कि इस तरह से तीन फलक पर आकर सोचना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आपके जो हिंदी के महायोद्धा रहे, हिंदी के जो दधीची रहे, जिन्होंने हिंदी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, कुर्बान हो गए, वो आज ज़रूर ये देखना चाहेंगे कि हमारी भावी पीढ़ी हिंदी को लेकर के कितनी निष्ठावान है, हिंदी को लेकर के उसकी चिंताएँ क्या हैं, मौजूदा समय में हिंदी की समस्या जो है उनको हम किस तरह से देख रहे हैं।
क्योंकि जब भी मंथन होता है तो मंथन के लिए आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखना होता है, वर्तमान को भी टटोलना होता है और भविष्य की आकांक्षाओं पर भी नजर रखनी होती है। तो इन सबको मिला करके कुछ मैं बात अपनी कहने की कोशिश करूंगी आज इस मंच से। और जब मैं बात शुरू कर रही हूँ तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज जो राष्ट्र के संवर्धन की हम जब चिंता कर रहे हैं, राष्ट्र के संवर्धन से जब हम जुड़ रहे हैं, राष्ट्र के विकास को लेकर के हम एक आस्थावान हैं, तो इस आस्था को बढ़ाया है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में। और मैं समझती हूँ कि आत्म भारत की जो संकल्पना है वो हिंदी की भूमिका के बिना कभी साकार नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है, इसके लिए अतीत के पृष्ठों को पलट लेना चाहिए। और ये हमारे आज का विषय भी है, स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी। मित्रों, भारत ने स्वाधीनता का जब स्वप्न देखा तो स्वप्न उसने हिंदी में देखा था, उसने फारसी में नहीं देखा, उसने अंग्रेजी में नहीं देखा था, उसने वो स्वप्न हिंदी में देखा था। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी जातीय अस्मिता और चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम थी। उसी हिंदी ने भारतवासियों के मन में आत्मविश्वास जगाया, उनके भीतर आत्मावलंबन की भावना को दृढ़ किया, उनके भीतर आत्मगौरव जगा करके अंग्रेज साम्राज्यशाही के विरुद्ध एकजुट करने का काम किया पूरे देश को। और प्रतीक संस्थान के रूप में भाषा की शक्ति और सामर्थ्य पर लोगों का विश्वास इसी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान दृढ़ हुआ। और ये दृढ़ इसलिए हो सका कि उन्हें समझ में आया कि सांस्कृतिक परंपरा की साझेदारी में हिंदी किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे हिंदी देश के चेहरे की पहचान बन रही है। उस समय वो समय था कि आप को लगातार तोड़ा जा रहा था, आपके उन हिस्सों पर प्रहार हो रहा था जो हिस्से आपकी पहचान थे, और हिंदी आपकी पहचान थी, भारतीय संस्कृति आपकी पहचान थी, तो तोड़ा वहीं जा रहा था, उसी ढांचे पर प्रहार हो रहा था। तो इसके ठीक उलट भारत ने स्वाधीनता की आकांक्षा भी अपनी भाषा में की, हिंदी में की। उसने स्वाधीनता की लड़ाई हिंदी में लड़ी। और अभी बहुत सारे साहित्यकारों का यहाँ पर नाम लिया गया, मैं कहना चाहूंगी स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था वो दौर ये था कि जहां पर साहित्य और पत्रकारिता के बीच कोई फांक नहीं थी, उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। जो साहित्यकार थे वही पत्रकार भी थे, जो पत्रकार थे वही साहित्यकार थे। इसलिए कहा भी जाता था लिटरेचर इन हेस्ट, पत्रकारिता को यानी जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य। और इस स्वाधीनता आंदोलन में जो पत्रकार थे, जो साहित्यकार थे, सब ने अपने अपने तरीके से हिंदी की लड़ाई लड़ी। और बहुत सारे ऐसे थे जो पत्रकार भी नहीं थे, साहित्यकार भी नहीं थे, लेकिन वो हिंदी के उन्नायक बन करके उभरे, हिंदी के प्रचारक और प्रसारक बन करके उभरे, और सब ने मिलकर के हिंदी की लड़ाई लड़ी। और हिंदी को स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में एकता का पर्याय बना लिया। और जब स्वतंत्रता सेनानी आजादी के मतवाले होकर के गली गली घूमते थे तो वो जोश में क्या कहते थे, एक नारा उनका ये होता था, सब मिल बोलो एक आवाज, अपने देश में अपना राज। और मैं कहना चाहूंगी कि वो एक आवाज हिंदी थी, और उसी हिंदी में सबने वंदे मातरम का उद्घोष किया, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये नारे हिंदी में लगाए गए। और सबने मिलकर के एक बहुत बड़ा काम ये किया कि हिंदी की मांग के प्रश्न को सांस्कृतिक बता करके पूरा अभियान चलाया। यानी हिंदी इस देश का स्वाभिमान बन गई। और साहित्यकारों की अगर मैं बात करूं तो वो साहित्यकार और पत्रकार भी थे। अभी आपने बातें कही, निराला की बात आई, फणीश्वरनाथ रेणु की बात आई, माखनलाल चतुर्वेदी को आपने याद किया, मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती को आपने याद किया, मैं भारतेंदु को याद करूंगी।
जब भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत बनकर के आते हैं और घोषणा करते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली, तो हिंदी को नई चाल में ढालने की जरूरत थी, और नई चाल में ढली हिंदी के संकेतक आगे किस तरह से खुलते चले जाते हैं इसको भी देखने की जरूरत है। और साझी सांस्कृतिक विरासत के लिए, साझी सांस्कृतिक विरासत इसलिए कह रही हूं कि हमारा जो देश है वो साझी सांस्कृतिक विरासत का देश है। हमारे देश में अनेक संस्कृतियों का सौंदर्य है, सांस्कृतिक वैविध्य है, भाषा का भी वैविध्य है। मराठी, बंगाली, गुजराती, माथली, भोजपुरी, सबका अपना अपना सौंदर्य है, लेकिन हमारी जो साझी सांस्कृतिक विरासत है उसके समृद्धि के लिए हिंदी को चुना गया। और हिंदी की नई चाल, जिसको कहा भारतेंदु ने कि नई चाल में ढली, वो नई चाल राष्ट्रीय एकता का पर्याय बना करके किस तरह से सवारी गई, किस तरह से निखारी गई, ये अगर इस पटल पर जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज इस श्रद्धानंद कॉलेज के इस पटल पर बहुत सारे विद्वान अन्य विषयों के भी होंगे। तो मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी की नई चाल जब राष्ट्रीय एकता के लिए संवारी गई, उसको संवारा गया उस चाल को, तो उसको बड़े कई तरह के तेवर दिए गए स्वाधीनता आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय चेतना का अलग जगाने के लिए। उसे आक्रामकता का तेवर मिला, उसे ओझ का नया तेवर मिला, और इस हिंदी के नवजागरण से कौन कौन से संपादक और पत्रकार जुड़ते चले जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, एक बहुत लंबी परंपरा है, निराला का तो नाम आपने लिया ही। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करूंगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा और साहित्य शास्त्र की भूमिका में आते हैं, और जब वो हिंदी को अनुशासित करते हैं तब राष्ट्रीय भूमिका में साहित्य के भी दिशादाता बन जाते हैं। और जिस हिंदी को माजने संवारने का काम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हुआ, वो केवल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो उसको परिष्कृत परिमार्जित किया, लेकिन जिस धड़कते हुए जीवन स्वरूप में हिंदी आती है उसमें और भी बहुत सारे लोगों का योगदान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस हिंदी को गढ़ा, उस हिंदी में एक शुष्कता आ गई थी, एक नीरसता आ गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल अनुशासित हिंदी थी, वो एक शब्द को भी इधर उधर नहीं कर सकते थे, लेकिन उस हिंदी को पूरक सरसता और जीवंतता किसने दी? उसने दी बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। और जब निराला आते हैं, निराला ये कहते हैं कि जिस गद्य को हिंदी गद्य को कहते हैं जीवन संग्राम की भाषा, तो उस गद्य की तमाम विधाएं अगर आप देखें तो वो हिंदी की तान बन करके नवजागरण की चेतना से शक्ति अर्जित करती हैं और स्वाधीनता का पर्याय बन जाती है। हिंदी का जो संस्कार था उसने निरंतर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को अगर आप देखें, आप केवल जो है बहुत सारे जो पत्रिकाएं हैं उनकी फाइलों को अगर आप खंगाल लें तो आप ये समझ जाएंगे कि हिंदी के संस्कार से ही, हिंदी के संस्कार नहीं बल्कि कहिए कि राजनीतिक सांस्कृतिक प्रश्नों को इतिहास की निरंतरता में खोल दिया। और कैसे स्वाधीनता आंदोलन का पूरा संघर्ष हिंदी से जुड़ता है, निराला की कविता है जो कि मतवाला के एक अंक में प्रकाशित हुई थी और मुझे बहुत प्रिय है उनकी कविता, और जिसमें किस तरह से वो राष्ट्रभाषा हिंदी को
अंग्रेज साम्राज्यशाही से चुनौती बिल्कुल निपटने की चुनौती कैसे उसका सामना करते हो और किस तरह से वो हिंदी राजभाषा की तान से जो है ये पूरा स्वाधीनता आंदोलन का युद्ध कैसे जीतना चाहते हैं, कैसे अंग्रेज साम्राज्यशाही को परास्त करना चाहते हैं, इसकी जो आकांक्षा है वो इस कविता में उभर करके आती है। उसकी कुछ पंक्तियां शायद मुझे याद आ जाएं ठीक तरह से, वो कुछ इस तरह से पंक्तियां। सुनी राष्ट्रभाषा की जब से भव्य मनोहर तान, सुनी राष्ट्रभाषा की जब से भव्य मनोहर तान, मिटी मोह माया की निद्रा गए रूप पहचान। अब आप देखिए कि यहाँ वो कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा जो है किस तरह से आपको सजग कर देती है। बढ़ आगे हो सजग, मेट तू क्षण में नाम निशान, मिटी मोह माया की निद्रा गए रूप पहचान। चूम चरण मत चोरों के तू, गले लिपट मत गोरों के तू, अगर उतरना पार चाहता दिखा शक्ति बलवान, मिटी मोह माया की निद्रा गए रूप पहचान। अब आप देखिए अंग्रेज साम्राज्यशाही की चुनौती का सामना करने के लिए हिंदी किस तरह से हथियार बन रही है। ये सारे तमाम सारे प्रश्न अगर आप देखें तो हिंदी नवजागरण के प्रश्न, हिंदी के बदलते स्वभाव को आप स्वाधीनता आंदोलन के फलक पर देख सकते हैं, उन पत्रिकाओं के पन्नों पर आप देख सकते हैं। जो बदलते प्रश्नों का संकेत है वो दरअसल नवजागरण का संकेत है। ये वो समय था जब निराला की जैसे बात करें तो वो समय था जब स्वाधीनता की आकांक्षा का मानचित्र उभरने लगा था, और भारतेंदु का इससे पहले भारतेंदु का जो संकेतक था वो यही था हिंदी को लेके कि अब हिंदी को नवजागरण की भाषा बनना है, हिंदी को स्वराज की आकांक्षा की भाषा बनना है। और रचनाकारों के साथ पत्रकारों के साथ जो हिंदी के प्रचारक जुड़े उन सब ने मिलकर हिंदी को नवजागरण का माध्यम बनाया। वो पत्रकारिता के फलक पर, साहित्य के फलक पर तो वैचारिक संपन्नता का, वैचारिक ऊर्जा का, निर्भीकता का, अस्मिता का पर्याय थी ही, लेकिन इसी हिंदी ने साहित्य के स्तर पर वस्तु और रूप दोनों में नई संभावनाओं को पैदा किया, और ये सारी नई संभावनाएं इस जागरण काल में उभर करके आई। मैं ये बताना चाहूंगी कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, विशेष रूप से मैं इसका उल्लेख कर रही हूं कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उन्होंने भी राष्ट्र को एकजुट करने के लिए हिंदी के संरक्षण और संवर्धन की बात की। और उस समय महाराष्ट्र से तिलक, काका कालेलकर, बाबूराव विष्णु पराड़कर, इस तरह के लोग थे। तिलक का तो ये नारा आपको याद ही होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन सब ने, तिलक ने ये नारा हिंदी में लगाया, मराठी में नहीं लगाया। बंगाल में, बंगाल से उठे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने हिंदी में नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, कहीं से भी स्वराज और स्वाधीनता की मांग उठी तो हिंदी में उठी। हिंदी नवजागरण का हथियार बन गई। मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती की बात करी आपने, हिंदी की आराधना किस तरह करते हैं मैथिली शरण गुप्त, ये देखने वाली बात है। और उस भारती को पूरे भारतवर्ष में उसको प्रचारित कर देना चाहते हैं। आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये कहते हैं मैथिली शरण गुप्त। और आप देखिए कि इन दो पंक्तियों में ही, मुझे दो ही पंक्तियां याद आ रही है इस समय, दो पंक्तियों में ही अगर आप देख लें तो हिंदी के प्रति कैसी आस्था और हिंदी की कैसी संभावना इन दो पंक्तियों में नजर आ जाती है। और तिलक केवल स्वराज के लिए हिंदी की मांग नहीं उठा रहे हैं, उसी में वो जो है नारा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो आगे भी इसके आगे जाकर के प्रचारित करते हैं कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए
सर्वमान्य भाषा से अधिक कोई बलशाली तत्व नहीं है। और उन्होंने इसके आगे कहा कि मेरे विचार से हिंदी ही एक ऐसी भाषा है। वो मान रहे हैं कि एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, तभी जो है राष्ट्र का बल जो है आता है। और वो ये कहते हैं कि मेरे विचार से हिंदी ही ऐसी भाषा है। मैंने अभी बाबूराव विष्णु पराड़कर का नाम लिया आपके सामने, और बाबूराव विष्णु पराड़कर तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी तरह से वो उन्होंने अपनी बातें निबंधों में अपने आलेखों में कही हैं। तो पत्रकार रहे, और मैं आपको बता दूं कि बाबूराव विष्णु पराड़कर क्रांतिकारी थे और कलकत्ता की सड़कों पर दोनों जेबों में पिस्तौल डाल करके घूम रहे थे, और उनको लगता था कि पिस्तौल डाल करके जो है क्रांति जो है आ जाएगी और देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। तो उनको जो उनको लगा कि पत्रकारिता जो है ये ज़्यादा प्रभावी है, और वो पत्रकार बन गए। और उनके उनके लेख अगर आप देखिए तो उसमें जो भाव उनका आता है एक लेख में, जहाँ वो ये कहते हैं कि हमारी जो जाति आत्मा है, हमारी जाति आत्मा और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, अपनी बोली को भी लेते हैं, वो कहते हैं हमारी जाति आत्मा, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी बोली और हमारी मानसिक विशेषता, और इसके साथ वो जोड़ते हैं हमारे उच्चारण। वो कहते हैं कि ये सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इतने संबद्ध हैं कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये मराठी कह रहे हैं, मराठी है बाबूराव विष्णु पराड़कर। अब मैं दक्षिण की तरफ आपको ले जाना चाहूंगी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने भी स्वाधीनता आंदोलन में राजभाषा के रूप में हिंदी को ताकत दी, और उन्होंने कहा कि हिंदी का श्रृंगार राष्ट्र के सभी लोगों ने किया, वह हमारी राजभाषा है। और ये पंक्तियां उनकी अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे मंत्रालयों के कार्यालयों में तख्तियों पर लिखी गई है। तो आप देखिए कि स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर है, उस दौर में चाहे पत्रकार हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे हिंदी के प्रचारक प्रसारक हो, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, सबने हिंदी का स्वप्न देखा और हिंदी के इसका स्वप्न जगा करके स्वाधीनता का स्वप्न देखा। हिंदी जो है स्वराज की आकांक्षा से, स्वाधीनता की आकांक्षा से जुड़ गई। लेकिन देश आजाद हो गया, हम हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी माह मना रहे हैं, तो मैं उस पर आती हूँ। आप थोड़ा सा आजादी के बाद, मैं ये बात आगे करूं, यहां मैं एक सेंटेंस वाक्य जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, तो हमको हिंदी का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि हमने ये लड़ाई हिंदी के हथियार से जीती है। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है कि आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का स्वप्न बिखर गया। हमने राष्ट्रभाषा, सबने कहा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, लेकिन आजादी के बाद विडंबना ये रही कि राजभाषा आज हिंदी है, लेकिन राजभाषा का भी मार्ग इतना आसान नहीं था। और आज कहने को राजभाषा है कागज पर, लेकिन कितना काम हिंदी में होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, या अन्य भारतीय भाषाओं में होता है ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। और ये इतना कठिन नहीं था, हमने राजभाषा हिंदी होती ये कोई बहुत कठिन स्थिति नहीं थी। बहुत सारे ऐसे देश हुए जहां पर कई भाषाएं बोली जा रही थी, लेकिन उन्होंने तुरंत आजाद होते ही जो है उन्होंने अपने एक भाषा का राग जो है पा लिया। इसको बहुत अच्छी तरह से महादेवी वर्मा के लेख अगर पढ़ें तो उसमें उन्होंने ना, महादेवी वर्मा ने एक जगह लिखा है कि जब हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति हम पा चुके, तो राष्ट्र की अनिवार्य विशेषताएं दो हमारे पास है,
भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता, लेकिन हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसमें कि एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निकट अपना परिचय देता है। और ये कहा जाता है ना कि भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी एक ही भाषा थी, तो महादेवी भी इसका जवाब देती हैं कि जहां तक बहुभाषा भाषी होने का प्रश्न है, ऐसे देशों की संख्या कम नहीं, जो बात मैं कहती कि जिनके भागों में भिन्न भाषाओं की स्थिति है, पर इनकी अविच्छिन्न स्वतंत्रता की जो परंपरा वहां रही, उन्होंने सम विषम स्वरों में एक राग रच लेने की क्षमता अर्जित कर ली थी। लेकिन हमारे यहाँ विडंबना ये रही कि जो भाषा स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय एकता का पर्याय थी, उस भाषा को हमने आजाद होते ही प्रतिशत की भाषा में बांट दिया, उसको हमने प्रतिशत की भाषा बना दिया। और आज भी मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं हाँ इस मंच पर कहना चाहूंगी कि आज भी हम जब भाषा की प्रगति देखते हैं, भाषा का फैलाव देखते हैं, भाषा की सामर्थ्य को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसका पैमाना हम बना लेते हैं परसेंटेज, इतने लोग हिंदी बोलने वाले हैं, इतने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, इतने विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं, इतने समाचार पत्र हिंदी के हैं, इतनी पत्रिकाएं हिंदी के हैं। और मैं ये समझती, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आंकड़ों में किसी की प्रगति को देखने की जो कोशिश है, वो शायद वो सही कोशिश नहीं है। और हम शोध के जो प्रामाणिक निष्कर्ष निकल करके आते हैं, उन निष्कर्ष पर भी हम भरोसा करते हैं। अगर उन थोड़े से सर्वेक्षणों को आप देख लीजिए, और मैं कुछ सर्वेक्षण के जो नतीजे हैं उनका हवाला देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। हमारे यहाँ पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उनके जो सर्वे होते हैं, उनके जो सर्वेक्षण होते हैं, बड़े प्रामाणिक भी होते हैं और बहुत बहुत व्यापक पैमाने पर वो सर्वेक्षण करते हैं। और ये 2010 में उन्होंने एक सर्वेक्षण किया, और जिसका उद्देश्य था कि वो ये जान सके कि भारत में जो मौजूद भाषाओं की वर्तमान स्थिति है वो कैसी है। और इसके परिणाम से गणेश नारायण दास देवी ने कुछ दावे किए, और उनका ये मानना था कि भारत से लोक की जबान को काटने की साजिश रची जा रही है। और ये जो सर्वेक्षण था वो 27 राज्यों में 3000 लोगों के दल के द्वारा ये सर्वेक्षण कराया गया था। 780 भाषाओं का सर्वेक्षण हुआ, और नतीजा ये निकल करके आया कि हमारी कुल 780 भाषाओं में से 400 भारतीय भाषाएं जो है विलुप्त हो सकती हैं। और मैं समझती हूं कि जब हम भाषा की बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हम सिर्फ हिंदी की बात ना करें, क्योंकि हमारी तमाम भारतीय भाषाएं, हमारी तमाम जो स्थानीय संस्कृतियां हैं, स्थानीय भाषाएं, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेकिन एक बहुत ही इसमें इस सर्वेक्षण में एक जो संतोषजनक बात निकल कर के आई वो मैं जरूर बताना चाहूंगी इसमें, कि इसी सर्वेक्षण के नतीजों में ये कहा गया कि ये धारणा बड़ी गलत है कि अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी जैसी अहम भाषाओं को तबाह कर सकती है, क्योंकि लगातार ही कहा जा रहा है कि अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो हिंदी को ख़त्म कर देगा, बांग्ला को ख़त्म कर देगा, तेलुगु, तमाम हमारी भारतीय भाषाओं पर भी खतरा है। तो इसमें ये बात निकल कर के आई कि ये जो भाषाएँ हैं हमारी, वो दुनिया की 30 भाषाओं में शामिल हैं, और ये 30 वे हैं जो कम से कम 1000 वर्ष पुरानी है और करीब 2 करोड़ लोग उनको बोलते हैं। और इन भाषाओं में, चूंकि ये भाषाएं हमारी खत्म नहीं होंगी, 30 भाषाएं हमारी, क्योंकि इन भाषाओं में क्यों नहीं खत्म होंगी, क्योंकि किसी भी भाषा की प्रगति देखनी है तो संगीत की परंपरा में जाके देखनी चाहिए, शिक्षा में का माध्यम वो है या नहीं है ये देखना चाहिए, मीडिया को उसका समर्थन मिल रहा है या ये देखना चाहिए। तो इन्होंने जो नतीजे निकाले, उन्होंने कहा कि 30 भाषाएं जो है फिल्म उद्योग में भी चल रही हैं, संगीत की परंपरा में भी इनकी साझेदारी है, शिक्षा की उपलब्धता, अब तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है
वो भारतीय भाषाओं के लिए, क्योंकि उनका माध्यम जो है भारतीय भाषाएं बनेंगी, उसका प्रावधान है उसमें, तो बहुत सारी संभावनाएं हमें दिखा गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इन 30 भाषाओं की जो बात है उसमें मीडिया का समर्थन भी उनको मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी को जो बराबर जो हम कहते हैं कि खतरा है, वो खतरा उतना नहीं है। इस पर मैं आगे भी बात अपनी बढ़ाऊंगी अगर समय होगा तो ज़रूर। तो आप ये संतोष कर सकते हैं यहाँ पे कि अंग्रेजी से हिंदी समेत महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं को खतरा नहीं है। ये हिंदी की शक्ति है और भारतीय भाषाओं की शक्ति है। कैसे है? जब मैं बाजार की बात करूंगी, मीडिया की बात करूंगी, तो उसमें मैं इसको स्पष्ट करूंगी। और एक बात मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जो विश्व स्तर के जो भाषा शास्त्री हैं, जब हिंदी को लेकर के वो भविष्यवाणी करते हैं या भाषाओं को लेकर के भविष्यवाणी करते हैं, तो उनकी भविष्यवाणी ये होती कि आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की जो 10 भाषाएं होंगी उनमें हिंदी भी एक होगी। और ये बहुत सारी स्थितियां हैं जो आपको संतोष देती हैं। लेकिन जब आप भाषा की बात कर रहे हों और राष्ट्रबोध की बात कर रहे हों, केवल स्वाधीनता आंदोलन के दौर में आपके राष्ट्रबोध से जैसे हिंदी जुड़ी हुई थी, आज़ादी के बाद क्या वो हिंदी से जुड़ा हुआ हमारा राष्ट्रबोध कहाँ चला गया, ये देखने वाली बात भी है। और वो कैसे जो है हिंदी प्रदेशों में हिंदी खिसक रही है, ये भी सच्चाई है। और चूंकि ये बहुत मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं, और शायद इस तरह की खबरें आपने भी पढ़ी होंगी, जिसमें एक खबर ये आई थी कुछ महीनों पहले, हो सकता है साल भी हो गया हो क्योंकि समय खसकता है तो पता नहीं लगता है आपको, कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर का जो परीक्षा परिणाम आया उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 800,000 विद्यार्थी हिंदी में फेल होने के कारण अपना साल बर्बाद कर बैठे थे। कितनी बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश, जहां मातृभाषा अधिकांश लोगों की हिंदी है, और वो हिंदी में फेल हो गए विद्यार्थी। तो मुझे लगा अगर आप देखिए तो उस प्रदेश से कितने हिंदी, कल केवल मैं इलाहाबाद की बात करूं, साहित्यकारों की बात थी तो वहां देखिए इलाहाबाद से मैं हूं, वहाँ कितने साहित्यकार, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और उसके बाद आज़ादी के बाद ही बहुत सारे साहित्यकार वहाँ से हैं। उस इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, आप देखिए जो इलाहाबाद का एक आधार है, और उस इलाहाबाद ने, मुझे लगता है कि वहाँ उस प्रदेश में हिंदी के योद्धाओं का, हिंदी के मनुष्यों का, चिंतकों का संघर्ष बलिदान व्यर्थ गया। कि आज हम हिंदी के प्रति अपनी युवा पीढ़ी में, किशोरों में कोई आस्था नहीं जगा पा रहे, जबकि हमारे पूर्वजों ने हिंदी के विकास के लिए, परिष्कार के लिए, हिंदी की लड़ाई के लिए अपनी हड्डियां गला ली थी। और अखबारों में ही आपको ये खबर भी पढ़ने को मिलती है कि अंग्रेजी स्कूल में हिंदी में बात करने पर बच्चों को कड़ी सजा दी जाती है। ये खबर नई नहीं है, और जो सजा दी जाती है वो क्या है, वो देखने वाली बात है। चिंता उसकी है कि सजा क्या दी गई। सजा ये दी गई कि 8 पेज आप भरिए, आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो भावी पीढ़ी की अपनी भाषा में व्यवहार करने की जो सरणी है वो बदल जाएगी। अपनी भाषा के साथ हमारे व्यवहार का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भिन्न होगा। तो क्या वजह है कि हम इन सारी चुनौतियों को नहीं देख पा रहे हैं? हम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सब की विरासत को क्या हम संभाल नहीं पा रहे? हम कहां चूक रहे?
कहां गलती कर रहे हैं, और ये सारी घटनाएं जो है क्यों नहीं हमारे भीतर भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति चिंता और सजगता पैदा कर पाती है? आज क्यों ये स्थिति है कि हमारी जो पहचान जो है, हमारे आभिजात्य होने की पहचान जो है वो अंग्रेजी से बनती है, हिंदी से नहीं बन पाती, जबकि भारतीयता की पहचान विविध भारतीय भाषाओं से बनती है। हमारी सांस्कृतिक और भाषाई जो विविधता है वो हमारी अमूल्य विरासत है, हम क्यों भूल जाते हैं ये सारी चीजें? तो भाषा का प्रश्न, रघुवीर सहाय जब आते हैं तो किस तरह से ये सारी जो स्थितियां हैं उनके समय में भी उनको जो है किस तरह से वो बराबर व्यतीत करती रही, और उन्होंने ये बात रखी कि भाषा का प्रश्न जो है भाषा का प्रश्न नहीं रहा। और मैं आपसे इस मंच से आज ये कहना चाहूंगी कि भले ही एक खिन मन स्थिति में, एक विक्षुब्ध स्थिति में रघुवीर सहाय ने कह दिया हो कि भाषा का प्रश्न भाषा का नहीं रहा, लेकिन भाषा का जो प्रश्न है, हिंदी का जो प्रश्न है, वो कभी भी मुझे लगता है कि हल्का नहीं पड़ेगा। भाषा का प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों महत्वपूर्ण रहेगा? क्योंकि भाषा जो है हमारे मात्र, हमारे भावबोध का, हमारे आत्म का एक अभिन्न हिस्सा होती है, और उसको आप अपने अस्तित्व से अलग नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात जो है निर्मल वर्मा ने कही थी कि जो भी समुदाय जब एक भाषा को बोलता है तो वो जब बोलता है तो वो एक साथ अपने इतिहास से, अपने मिथक से, अपने परंपराओं से जुड़ जाता है, और इस तरह से एक भाषा जो है आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी में तब्दील हो जाती है, यानी आपकी एक सामूहिक अस्मिता बन जाती है, क्योंकि भाषा और मिथक और स्मृति का जो अंतर संबंध है इससे सारे समूह के सदस्य उससे जुड़ जाते हैं। एक बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं कि एक संस्कृति का ऐतिहासिक अतीत होता है, मान के चलते हैं, और ये भारतीय मानस पर हमारी आदिम स्मृति में ये चीजें अंकित हैं, लेकिन उसका एक आंतरिक अतीत भी होता है, और आंतरिक अतीत जो होता है वो हमारी भाषा की जो अवधारणाएं हैं, जो मिथक हैं, जो प्रत्यय हैं, उनमें अंतर्ध्वनित होता है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी आपसे कि इस समय हिंदी को लेकर के आत्मनिर्भर भारत की जब बात हो रही है और भाषा को लेकर के मैं देख रही हूँ कि ये कुछ माहौल जो है थोड़ा सा अनुकूल हुआ है, और जगह जगह जो है एक राष्ट्र एक भाषा की आवाज़ भी उठने लगी है, तो उस समय हिंदी का विरोध अगर कहीं होता है तो हिंदी का विरोध मुझे एक सायास ओढ़ी हुई मुद्रा लगता है, क्योंकि दरअसल अगर आप बहुत गहराई से जाए तो आपको ये लगेगा कि हिंदी का विरोध जिसको कहते हैं कि वो स्वाभाविक नहीं है, जब हम भूमंडलीकरण के युग में जी रहे हैं और लगातार हमारी आवाजाही है लोगों की, हमारे युवाओं की नौकरी के लिए आवाजाही है, वो अगर दक्षिण में है तो दक्षिण से उत्तर में आते हैं, इधर उधर कहीं भी जाते हैं, वो तो वो भी हिंदी के महत्व को समझ रहे हैं और हिंदी से उनका कोई बैर नहीं है, लेकिन होता ये है हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम हर चीज़ को राजनीति का विषय बना देते हैं, उस पर राजनीति होने लगती है, तो यही दिक्कत हिंदी के साथ भी है। जबकि अगर आप देखें आज दक्षिण में हिंदी को लेकर के एक विरोध सा आपको नजर आता है, इस तरह की घटनाएं भी अखबारों में आपको पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि मैंने कहीं पढ़ा था, ये खोज की है कि 1934 में, आप देखिए 1934 स्वाधीनता आंदोलन का दौर है, उस स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जून 1934 में दार्जिलिंग में एक सम्मेलन होता है, आयोजित होता है वो दार्जिलिंग में, लेकिन वो हिमाचल हिंदी भवन का वार्षिक समारोह है, और उसमें
उसमें कहा गया ये बात, किसी प्रोफेसर ने कही, उन प्रोफेसर का नाम था ललिता प्रसाद शुक्ल, और उन्होंने ये बात उस सम्मेलन में कही थी कि लगभग 10 सालों के भीतर, 1934 में कह रहे हैं कि लगभग 10 वर्षों के भीतर 15 लाख मद्रासियों ने हिंदी सीखी थी, और वे सारे मद्रासी हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचान मिले इसके लिए वो उत्सुक थे। ये बात वो उस समय कह रहे हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो भी व्यक्ति देश के स्वभाव से परिचित था, हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी ने भी इस तथ्य को समझ लिया था कि देश की सामाजिक संस्कृति का संवहन यदि कोई भाषा कर सकती है तो वो हिंदी हो सकती है, और इसलिए उन्होंने चेन्नई, तत्कालीन मद्रास, उस समय मद्रास था, आज हम चेन्नई कहते हैं इसको, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना करके हिंदी तर भाषी प्रदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार का बीड़ा उन्होंने उठाया था। और मैसूर की हिंदी प्रचार सभा का एक अधिवेशन था, जिसमें इस अधिवेशन में मद्रास गवर्नमेंट में उस समय पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर टीएसएस राजन, उन्होंने हिंदी सीखने की प्रेरणा दी थी, और उस उनके इस भाषण के कुछ अंशों को लगातार कोट किया जाता है। ये मेरे पास है उनके भाषण का अंश, मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी आपको। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्र की स्वाधीनता अवश्य संभावी है, और स्वाधीन भारत का राजशासन एक संघ के रूप में ही होगा। संघ की भाषा केवल वही हो सकती है जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा समझी या बोली जाती है, और वह भाषा न कन्नड़ है, न तमिल है, और न अंग्रेजी, वरन वह होगी केवल हिंदी या हिंदुस्तानी। और आगे जो उन्होंने कहा वो और गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि मैसूर का निवासी मुझसे पूछे कि उसे हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, तो मैं उससे इतना ही कहूँगा कि मैसूर की उत्तर दिशा में कुछ मील चला जाए और स्वयं अनुभव कर लेगा, मतलब अगर वो जाता है तो उनका कहना है कि वो स्वयं अनुभव कर लेगा कि वहाँ का सारा जन समुदाय जिन भाषाओं में अपने जीवन का व्यापार संपादित करता है वे हिंदी के ही एक ना एक रूप है। इस पर गौर करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जीवन का व्यापार उस समय संपादित होता था वो हिंदी का ही कोई ना कोई एक रूप था, और उन्होंने कहा उसके साथ निर्वाह किए बिना हिंदी, अगर आप उसके साथ निर्वाह करना चाहते तो हिंदी सीखे बिना संभव नहीं है। ये बहुत मैं कहती महत्वपूर्ण भाषण है जिसका अंश मैंने आज आपको यहाँ पे रखा है कि कोई विरोध उस समय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नहीं था, और पूरे मैसूर के निवासियों के लिए किस तरह की बात कही गई, दक्षिण भारत में हिंदी सीखने पर कैसा बल रहा और वहां के लोग कैसा उत्साहित रहे हिंदी सीखने के लिए, ये सारे उदाहरण है, इनको खोजने की जरूरत है। लेकिन आजाद भारत में हमने हिंदी को राजनीति का मंच बना करके हमने कागज पर तो दर्जा दिया लेकिन हम उसे व्यावहारिक स्तर पर उतार नहीं पाए। और आज भी अगर आप देखें जो बातें मैंने कही, आज भी अगर आप जाकर के देखें तो दक्षिण भारत में भी अगर आप देखेंगे कि जमीनी स्तर पर हिंदी का विरोध वहां पर नहीं है, और तमिलनाडु से ही तमिल भाषा के लिए चरमपंथी राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी है पुदिया तमिचगम, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति की पार्टी, उसने खुलेआम हिंदी का झंडा बुलंद किया है, उसने कहा कि हमें प्रदेश में हिंदी चाहिए। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि वहां जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं, जो राजनेता,
उनके वो अपने प्राइवेट स्कूल हिंदी के चला रहे हैं और उन स्कूलों में वो हिंदी को पढ़वा रहे हैं। तमिलनाडु के बाजारों में अगर आप जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, मनोरंजन की दुनिया में जाएं, तो हिंदी की मांग बढ़ रही है। हिंदी की फिल्में वहां के लोग बहुत शौक से देखते हैं, तो ऐसा विरोध नहीं है हिंदी का, लेकिन राजनीति के कारणों से हिंदी का विरोध होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बात को समेटते, मुझे लगता है कि मेरा समय भी पूरा हो रहा है, कि आज हम जब स्वाधीनता आंदोलन का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये अमृत महोत्सव हमें ये अवसर देता है कि हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान करके हमें आज़ादी दिलाई, और जिन हथियारों से उन्होंने आज़ादी हमें दिलाई, चाहे वो भाषा का हथियार हो, चाहे वो एक सांस्कृतिक मुहिम हो, उन पर भी हम मंथन, लगातार मंथन करने की ज़रूरत है। और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की जब बात हो रही है, तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में जो चूंकि भाषा हमारे आत्म का ही, आत्मबोध का ही एक हिस्सा है, तो इस अवसर पर हम राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े, और राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ते हुए हम भाषा की अस्मिता से जुड़े, भाषा से जुड़े, और हम ये समझें, आज ये समझे जाने की जरूरत है कि जिस हिंदी की संरचना ने इस तरह से उसकी संरचना की है कि उसने संरचना की अपने सामाजिक सांस्कृतिक स्रोतों से जुड़ करके, और सामाजिक सांस्कृतिक स्रोतों ने इतिहास मिथक और परंपरा से जुड़ करके एक सामूहिक अस्मिता का मूल्यवान विधान रचा है। जो भाषा स्वाधीनता की वाणी रही, वो राजनीतिक अखाड़े का खेल ना बनने पाए, सत्ता की राजनीति का हथियार ना बने, क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं है। और हिंदी स्वाधीनता के आवाहन का स्वर रही है। अगर कुछ लोग ये कहें कि हिंदी जो है प्रांतीय भाषाओं को दबा करके वर्चस्व बनाना चाहती है अपना, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हिंदी कभी भी वर्चस्व नहीं बनाना चाहती, वर्चस्व उसकी कभी प्राथमिकता में नहीं रहा है, बल्कि वो तो सह अस्तित्व वाली भाषा है। और आज जरूरत इस बात की है कि हम सभी जो प्रांतीय भाषाओं को बोलने वाले हमारे भाई बंधु भी हैं, वो भी प्रांतीय भाषा का गर्व लेकर के समूचे राष्ट्र की पहचान के लिए हिंदी के गर्व से जुड़े। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए कि प्रांतीय भाषाओं का गर्व लेकर के हम राष्ट्र की पहचान के लिए हिंदी के गर्व से अगर नहीं जुड़ पाए, तो मैं यह कहना चाहूँगी कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदी समर्थन और हिंदी विरोध के बीच संघर्ष अगर होता है, तो अंग्रेजी का वर्चस्व स्वयं बढ़ता चला जाएगा और हम अपनी संस्कृति के सत्य और सातत्य से दूर होते चले जाएंगे। आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और इतना मुझे समय दिया बोलने के लिए, किसी ने मुझे टोका नहीं, कोई पर्ची मेरे पास नहीं आई, पर्ची आती भी नहीं है, लेकिन कोई आवाज़ भी नहीं आई कि समय हो गया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने अगर मैम आपके पास समय हो तो एक दो प्रश्न हैं, श्रीवास्तव सर आप पूछिए अपना प्रश्न। मतलब मैंने लिख दिया उस पर। हाँ मुझे कुछ तो दिखे रहे हैं आप, या मैं पढ़ देती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ। यदि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरह अनुवाद मंत्रालय बना दे, तो वह बहुभाषी भारत में हिंदी भाषा के लिए एक चमत्कारी काम होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? देखिए, ये सब जो है वो अनुवाद का मंत्रालय बना दे या अनुवाद का विश्वविद्यालय बना दे, तो इस तरह की मांग जो है, अनुवाद का विश्वविद्यालय बनाने की मांग भी चल रही है और बहुत उच्च स्तर पर लगातार इस पर मंथन भी चल रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जिसमें हमने भारतीय भाषाओं में को माध्यम बनाने की बात कही है, तो हमारी जो शिक्षण की सामग्री है पुस्तकें कैसे तैयार होंगी, तो उसके लिए अनुवाद की चिंता सबको है। अब देखना है कि विश्वविद्यालय बनता है या किसी और संस्थान को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन अनुवाद जो है प्राथमिकता में जरूर है, इतना मैं कहना चाहूंगी। जी मैम। जलवानी सर आप पूछेंगे? मैं पूछूं?
मैम उन्होंने पूछा है अभिनीता जी भी दिल्ली दिख में रही इंग्लिश है। का बोलबाला है, राजस्थान। हाँ, बोलिए, बोल दीजिए, पढ़ दीजिए आप, मुझे थोड़ा आंखों हाँ पे मैं पढ़ जोर रही हूँ लगाना मैम, दिल्ली पड़ेगा। में इंग्लिश का बोलबाला है, राजस्थान आदि राज्यों सारे राजकाज हिंदी में ही होता है, समस्या कोई और है वह बताएं। हाँ देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में भी आप जाएं, मध्य प्रदेश में भी हिंदी में काम होता है, कुछ जगहों पर हिंदी में काम होता है, मैं मानती हूँ। बिहार में आप चले जाएं तो हिंदी में काम होता है, लेकिन दिल्ली में काम अंग्रेजी में होता है। केवल दिल्ली में ही नहीं, और भी बहुत जगहों पर जो है अंग्रेजी में काम होता है, दिल्ली में भी अंग्रेजी में ज़्यादा काम होता है। बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि जो हिंदी के अधिकारी हैं, ये बहुत ही चिंता वाली बात भी है, और ये मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात भी थी, क्योंकि आपको विभिन्न कार्यालयों में बुलाया भी जाता है ना, जो आपका हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इसमें। तो इसी तरह से जब मैं बैठी किसी हिंदी अधिकारी के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रालयों में भी और सरकारी कार्यालयों में भी इस तरह के पद होते हैं, तो मैंने देखा कि वो अंग्रेजी में काम कर रहे थे। और तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप तो हिंदी के पद पर हैं और आप अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम, अंग्रेजी आसान लगती है और हिंदी कठिन लगती है। तो ये एक ऐसा विषय है कि इस विषय पर आप एक पूरा व्याख्यान आप रख सकते हैं कि ये क्या हुआ कि हिंदी आपको कठिन लगने लगी और अंग्रेजी आपको आसान लगने लगी, हिंदी वालों को ही। और आप यकीन मानिए, मैं या विनीता जी या प्रतिभा या ऐश्वर्या भी अगर चली जाए सरकारी कार्यालयों में, वहाँ के कामकाज में अपने को रमा लें, तो शायद हम सब भी अंग्रेजी में काम करने लगेंगे। मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी हिंदी निष्ठा एक अलग, मैंने पंडित विद्यानिवास मिश्र का सानिध्य पाया है, तो मैंने उनसे जो है बहुत सीखा है, और वो कहीं मेरे भीतर भी है, लेकिन तो वो अपने आप अंग्रेजी में लोग काम करने लगते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जिनको मैं समझ पाई हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत समय चाहिए होगा, क्योंकि और इस पर, इस विषय पर मेरा अपने कुछ सहयोगियों से मतभेद भी रहता है, मित्रों से मतभेद रहता है, क्योंकि मेरे मित्र ये कहते हैं कि मैडम, भाषा कठिन नहीं होती, भाषा परिचित और अपरिचित होती है। लेकिन अगर आप लोगों से बात करें जो सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो सबकी दिक्कतें यही हैं कि जिस राजभाषा, जो हिंदी राजभाषा के रूप में हमारे सामने है, और कल भी मैं कहीं थी तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रशासनिक कोष हमारे सामने रख दिए जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। तो जब राजभाषा बनाया गया हिंदी को, तो हमने 15 वर्षों का समय दे दिया, और ये 15 वर्षों का समय हमने दे दिया कि 15 वर्षों तक हिंदी में कामकाज हो सकता है, उसके बाद रिव्यू होगा, उसके बाद समीक्षा होगी। तो मैं समझती हूँ कि 15 वर्षों का ये जो समय दिया गया है, देना ही नहीं चाहिए था। उसके लिए राजभाषा को गढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस हिंदी का व्यवहार तो आप कर रहे थे, आपने पूरी लड़ाई हिंदी है, स्वाधीनता आंदोलन की हिंदी में लड़ ली, और फाइल पर काम करने के लिए आपको जो है राजभाषा का स्वरूप चाहिए, 15 साल आपको लगेंगे। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि किसी तरह से शायद वो जो युद्ध हुआ वहां पर, संविधान में भी इतनी आसानी से राजभाषा नहीं बनी हिंदी, जो है केवल एक मत से जीती थी, बड़ा संघर्ष हुआ था वहां पर, तो ये भी समझौता हुआ होगा, ठीक है भाई 15 साल तक अंग्रेजी में काम कर लो। लेकिन इस समझौता हुआ तो समझौता करने वालों को ये लगा होगा कि भाई 15 साल में तो हिंदी आ जाएगी, उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये अंग्रेजी बरकरार रहेगी, हमने 15 वर्षों का जो समय दे दिया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है ना, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, फिर भी सबसे बड़ा तू दिख। तो जिस तरह से हम बोलते थे, उस तरह से हम फाइलों में क्यों नहीं लिख पाए, वैसे ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें क्या जरूरत है वहां लिखने की, स्थानांतरण, आप तबादला लिख दीजिए। तो क्या दिक्कत है आपको? तो ये बहुत सारी, इस पर तो पूरा एक व्याख्यान हो सकता है कि कहाँ क्या हुआ, किसने क्या कहा संविधान सभा में, और किस हिंदी हिंदुस्तानी को लेकर के क्या विवाद हुआ, और 15 वर्षों का समय जो दिया गया उसमें क्या क्या एंगल थे,
तो इस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। जी मैम, एक प्रश्न है शाहिदा जी का, हिंदी की वर्तमान स्थिति के लिए क्या प्राइवेट स्कूलिंग जिम्मेदार है? हिंदी की वर्तमान स्थिति के लिए प्राइवेट स्कूल, देखिए प्राइवेट स्कूल जो है उनको आप जिम्मेदार, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो बिजनेस करते हैं, और जब आप बिजनेस करते हैं तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, वो प्राइवेट स्कूल खोल कर बैठे हुए हैं। और हिंदी की स्थिति के लिए हमारी मानसिकता जिम्मेदार है, यानी हमें ये लगता है हमारे अंदर भीतर एक चीज, क्योंकि इसको भी मैं भी आपको अतीत में जाना होगा कि जो प्रशासन में है ताकत उनके पास है, और शुरू से ही ताकत की भाषा चूंकि अंग्रेजी में कामकाज होता था तो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती थी कि हिंदी आए, तो वो अंग्रेजी चलती रही और अंग्रेजी एक अभिजात्य का मानक बनती गई, पावर का, अभिजात्य का। तो जब अभिजात्य का मानक आपने उसको मान लिया तो जाहिर है कि हर आदमी अभिजात्य दिखना चाहेगा, अभिजात्य बनना चाहेगा, क्योंकि उसका मानक अंग्रेजी हो गई। तो हमारी जो मानसिकता है कि हिंदी को लेकर के एक हीन भावना और अंग्रेजी को लेकर के एक सम्मान का भाव, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे शुरू में मैंने बात कही कि भाई इतने 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 संख्या बल से हम आंकने की कोशिश करते हैं, संख्या बल कोई किसी की प्रगति का या उन्नति का पैमाना नहीं होता। उन्नति का पैमाना होता है कि आपका स्वाभिमान उस भाषा के साथ जुड़ा हुआ है नहीं। और मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहूंगी कि हम अपनी भाषा का स्वाभिमान गंवा बैठे हैं, और हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि हिंदी का स्वाभिमान कैसे वापस आए। और जिस दिन हम भाषा के साथ स्वाभिमान का रिश्ता जोड़ लेंगे ना, उस दिन प्राइवेट स्कूल भी पीछे रह जाएंगे, फिर हिंदी का सम्मान लौट। एक प्रश्न, कई प्रश्न है, एक प्रश्न है मैम, व्हाई नॉट, मुकेश सर ने पूछा है व्हाई नॉट हिंदी टू बी यूज्ड फॉर, नॉट यूज्ड इन, आपका आधा जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियरी। देखिए ये तो आप ही नहीं कह रहे हैं, हम सब इस बात को कहते हैं कि हम अदालत की भाषा भी नहीं बना पाए, और अदालत की भाषा बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अदालत की भाषा बननी चाहिए और इसके लिए मुहिम चलना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। जी मैम, एक आखिरी प्रश्न, क्या हिंदी को इंग्लिश ने अधिक नुकसान पहुंचाया है? क्या, I didn't catch the last word. हेलो, को हिंदी में शब्द मैं नहीं सुन पा रहा। हिंदी को अधिक नुकसान पहुंचाया है? आप मैं बोल देती हूँ क्या हिंदी को इंग्लिश ने अधिक नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को अंग्रेजी भाषियों से अधिक इंग्लिश ने संकट उत्पन्न किया है। कृपया प्रकाश डालें, पुष्कर जी का प्रश्न। इंग्लिश कह रहे हैं ना आप? जी मैम, इंग्लिश। देखिए इंग्लिश भी कहां से आया, इंग्लिश जो है उसी हीन भावना का ही परिचायक है ना, कि जहां पर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप मतलब पंडित जी को याद करूंगी, पंडित विद्यानिवास मिश्र कहते थे कि अंग्रेजी की छौंक के बिना हिंदी गवारू लगती है बहुत सारे लोगों को, तो अंग्रेजी की छौंक लगाते हैं आप थोड़ा सा वो अभिजात, मैंने कहा ना दिखाने के लिए, तो उस तरह से वो इंग्लिश हो गई, तो अंग्रेजी का जो मोह है वो आपको इंग्लिश की तरफ ले जाता है, जहाँ आप कोड मिश्रण भी करने लगते हैं, कोड अंतरण भी करने लगते हैं, है ना।
तो वो इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश नुकसान पहुंचा रही, तो इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी और हिंदी का मेल ही तो है ना, तो उसमें अंग्रेजी आप मिला रहे हैं। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हिंदी की जो पाचन शक्ति है वो बड़ी मजबूत है, तमाम तरह की भाषाओं के शब्दों को बचा लेती है। तो अगर आप अंग्रेजी का शब्द लेकर आते हैं, मैं भी कभी बोलती हूँ अंग्रेजी का शब्द, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अंग्रेजी से परहेज नहीं है कि मैं अंग्रेजी वाक्य ना आए या अंग्रेजी शब्द ना आए, लेकिन उसका कोई अनुपात होता है ना, कि आप अगर पांच शब्द अंग्रेजी के ले आए और दो शब्द हिंदी के ले आए तो ये तो नहीं चलेगा ना। हर भाषा का एक, हर भाषा की स्वाभाविकता होती है, उसकी गरिमा होती है, उसका स्वभाव होता है, उसका स्वभाव तो खत्म नहीं होना चाहिए। आप बीबीसी की गाइडलाइन है, बीबीसी की गाइडलाइन देखिए बहुत अच्छी है, बीबीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि आप अंग्रेजी का शब्द ले लीजिए, लेकिन आप ये ठोक बजा लीजिए कि अंग्रेजी का शब्द जब आप ले रहे हैं तो आपकी भाषा में उतना अच्छा शब्द उस अभिप्राय के लिए नहीं है, उस अर्थ के लिए, तो आप अंग्रेजी का शब्द ले लीजिए। तो अंग्रेजी का कोई शब्द अगर प्रवाह में आपके अंदर आ जाता है आपकी भाषा में तो कोई इतना इतनी दिक्कत नहीं है। हम शब्दों को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब अंग्रेजी का वाक्य विन्यास जो है आपकी भाषा को जकड़ने लगता है, अंग्रेजी का मुहावरा आपकी भाषा को जकड़ने लगता है, क्योंकि भाषा तो इतनी उदार है, हिंदी हमेशा से उदार है, अरबी फारसी अंग्रेजी के शब्दों को बचा करके वो समृद्ध हुई है। बहुत सारे शब्द हमने, हमारी हिंदी के बहुत सारे शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहुंच गए हैं। जी जी मैम, प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन मैं समय की सीमा का ध्यान रखते हुए प्रश्न उत्तर का सिलसिला खत्म करती हूँ। मैम बस एक सुनील श्रीवास्तव सर हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर शर्मा, बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के। मैं माइक्रोबायोलॉजी में हूँ, मैं हिंदी में बहुत रुचि है मेरी, क्योंकि मैं प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ। और आपने उसकी वो लाई तो आप मैं वो मेरे कॉर्ड्स जो हैं दिल के वो ध्वनि दे रहे हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। चिंतामणि घोष बंगाल के थे जी 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 जी, और उन्होंने सबसे पहले जी जी आपको याद होगा इंडिया प्रेस शुरू किया जी, और जी, सरस्वती जी, जो जी, जी, पत्रिका थी जिसको जिसको बाद में द्विवेदी जी ने एडिट किया जी, वो जी, बहुत ही मतलब ये शो करती है कि बंगाल की हो, चाहे जैसा आपने शुरुआत में कहा तो हिंदी उन्होंने अपनाया जी, जी, जी। दूसरा मेरा जो वो था कि मैं प्रोफेसर अनुपम वर्मा के साथ मैंने पीएचडी की, जो महादेवी वर्मा के रिलेटिव थे। महादेवी वर्मा ने तो खैर आई थिंक उनके कोई वो नहीं थे, डॉटर या सन नहीं थे, क्योंकि वो अलग ही रही स्वरूप नारायण वर्मा से। जी, तो जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महादेवी वर्मा का जो उनकी चीजें इम्बाइब की थी हमारे सर ने, वो उनकी पीएचडी पोस्टडॉक लंदन में हुआ जी, और उनकी इंग्लिश जब वो बोलते थे तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल वो रह जाते थे, मोहित हो जाते थे। अब लेकिन आपने स्वाभिमानता की बात की हिंदी की, तो अगर कोई उनसे हिंदी में बात करता था और उन्हें लगता है वो इंग्लिश यूज कर रहा है तो वो हिंदी को ही अपना माध्यम बनाते थे और उसमें बहुत गर्व महसूस करते थे। क्या बात। और वो हमसे भी यही कहते थे कि हिंदी बोलो तो गर्व से बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि वो इंग्लैंड में सारी पढ़ाई किए हुए थे जी, जी, तो जी। वो बहुत अच्छा लगा आपने ये सारी बातों को कहा। और महादेवी वर्मा के लिए अगर मैं कहूँ तो वो कॉन्वेंट स्कूल में उनका एडमिशन किया गया था पहले जी, जी, जी। तो वो क्रॉसफिट चली गई थी फिर जी, जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी रूममेट होती थी, जिन्होंने बताया कि महादेवी वर्मा जो छुप छुप के पोएम्स लिखती थी तो उसको सर प्रश्न भी है सर। नहीं, वो बहुत नहीं, 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 प्रश्न नहीं है ये सर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिल्कुल सर, सर यही तो हिंदी की खूबसूरती है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मैं आपको बता दूं कि क्रॉसवर्ड की आपने बात कही तो मैं भी अपने को नहीं रोक पा रही हूँ, मैं भी क्रॉसवर्ड से पढ़ी हुई हूँ।
इलाहाबाद से। मेरी मदर भी पढ़ी हुई है। हम वहाँ पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ बैठ के कविता लिखती थी यहाँ, दोनों मतलब, तो वो से मेरा भी लगा। मेरी मदर ने वहाँ से पढ़ा, मेरे मदर फादर दोनों ही इलाहाबाद से पढ़े। वो मेरे फादर तो इलाहाबाद में प्रोफेसर थे जूलॉजी के, वो पहले रजिस्ट्रार बने एम्स के। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार आपका। धन्यवाद सर। प्रश्न भी बहुत है सबके मन में, जिज्ञासा भी बहुत है, मगर जिज्ञासा को और प्रश्नों को बचाकर रखना चाहिए। मैम दूर नहीं है, हमारे श्रद्धानंद परिवार की सदस्य हैं, अभी तो हम उन्हें चेयरमैन के पद को सुशोभित करें, तो आगे के लिए प्रश्न बचा के रखते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल हाँ। तो मैं बस, मैम बस खत्म करें, मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपनी ही सहयोगी और हिंदी सप्ताह कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ऐश्वर्या झा मैम को आमंत्रित करते हुए, वो मैम का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। ऐश्वर्या जी। धन्यवाद प्रतिभा जी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, आज समस्त स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय और हिंदी विभाग के लिए हर्ष का दिन है, जिसमें स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हिंदी सप्ताह 14 से 21 सितंबर तक का उल्लास पूर्वक आयोजन किया गया। आज के इस समापन समारोह के दिन प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम ने स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी विषय पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। मैम का मैं समस्त महाविद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त क्षणों में से कुछ समय निकालकर कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। मैं महाविद्यालय के कर्मठ, सदैव प्रोत्साहित करने वाले प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रवीण गर्ग का धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम का विचार आया और उसका सफलतापूर्वक समापन हो रहा है। मैं हिंदी विभाग के सभी शिक्षकों का धन्यवाद करती हूं, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव ही नहीं था। वेबिनार श्रृंखला में उपस्थित रहे दूसरे महाविद्यालय के शिक्षकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं। आज के कार्यक्रम के में तकनीकी सहयोग के लिए मैं मित्र डॉक्टर श्वेता कुंद्रा का आभार प्रकट करती हूँ। सभी विद्यार्थियों, वॉलेंटियर का धन्यवाद, जिनके कारण यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। और अंत में मैं अपनी सहकर्मी और विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा राणा का धन्यवाद करती हूं, जिनके सहयोग से और लगातार सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद मेरी तरफ से भी कार्यक्रम के संयोजिका डॉक्टर ऐश्वर्या झा का, जो कार्यक्रम के विषय चयन से लेकर अंत तक मेरे साथ खड़ी रही और मेरी शक्ति बनी रही। इसके अलावा प्रदीप सर भी नजर आ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद, सर का मार्गदर्शन मिलता रहा। और सारे सहयोगी विभाग के शीतल जी भी हैं और मोहर सिंह जी भी हमेशा मौजूद रहे, बहुत सारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपका तो विशेष धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। जी सबको मेरा नमस्कार। जी सादर प्रणाम मैम, नमस्कार सभी को। नमस्कार।